सर का हमने वीडियो देखा तो मेरे अंदर एक बिलीव पैदा हुआ कि चूंकि उनके कॉन्फिडेंस को देखकर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं ठीक यहाँ पे हो जाऊंगा और अपनी जिंदगी को बदलूंगा। मैं जब से उनने सर का वीडियो देखा है बस उनको ये हिम्मत आ गई कि अब तो मैं चेंज होके ही रहूंगा, राइट? हाँ जी। और कैलाश मंत्री जी मुझे चेंज कर दें। हाँ बिल्कुल, इसी उम्मीद पे मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे भरोसा है। मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है और मैं पटना से बिलोंग करता हूँ और कई सालों से परेशान हूँ और मैं हमेशा अपने बारे में ज़्यादा परेशान रहता हूँ और मुझे हेल्थ फोबिया है। हर तरह के लक्षण को मिलाना कि कहीं ये बीमारी तो नहीं है मुझे, कहीं वो बीमारी तो नहीं है, और उसके बारे में नेगेटिव सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, नर्वसनेस फील करता हूँ और बहुत घबराहट, बेचैनी, हाइपर हो जाता हूँ किसी बात को लेकर के, सर भारी होने लगता है जब भी मैं पब्लिक में जाता हूँ या परफॉर्मेंस का वक्त होता है तो कंपन भी होता है अंदर से, और बहुत ज़्यादा इमोशनल, मैं नेगेटिव इमोशनल हूँ, इमोशनल मतलब लग रहा है कि उसको हम पाल रहे हैं, जिसके करके हमारा व्यवसाय नहीं बढ़ रहा है, किसी काम में मन नहीं लगता है, लगता नहीं कि इस दुनिया के हम हैं, तो ये हमारा प्रॉब्लम है और काफ़ी सालों से, 2-3-4 सालों से प्रॉब्लम है। मैंने मेडिसिन भी लिया लेकिन उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैंने यूट्यूब पे ये चैनल देखा सीए कैलाश मंत्री करके, हाँ जी का, और मुझे लगा कि शायद वहाँ ये जो लक्षण, मैंने उनका एक वीडियो देखा था एंग्जाइटी का, तो मैंने पाया कि वो ज़्यादातर जो लक्षण के बारे में वो बता रहे थे, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं इसका शिकार हूँ और आज मैं यहाँ पे हूँ मुंबई में। पहले ये सोचता हूँ कि मैं इतना सोचता क्यों हूँ, दूसरा कि मैं नर्वसनेस फील मुझे क्यों होती है, मैं खुद हेल्थ सेक्टर का ट्रेनर हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों का भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। नेगेटिव, हाँ जी, हाँ ये सोचता हूँ कि मेरा सर भारी हो रहा है, कहीं मेरा नस फट ना जाए, मतलब इतना बुरा सोचता हूँ कि मेरे दादाजी का ब्रेन हेमरेज हुआ था तो हम भी तो उन्हीं के खानदान से हैं तो हमें भी हो सकता है, और हमारा भाई चाचा का लड़का मानसिक बीमारी से कई साल तक परेशान रहा, तो फिर कभी वो ख्याल में आता है कि कहीं मुझे भी तो वही चीज़ नहीं है, और बस यही सोचते रहता हूँ सुबह से शाम तक, काम धाम सब डिस्टर्ब हो रहा है। सर सेमिनार वगैरह में मैं जब जाता था तो मेरा सर भारी हो जाता था, लगता था कि गिर जाएंगे, नर्वसनेस फील करते थे, तो वहाँ से एक नेगेटिव थॉट मेरे अंदर क्रिएट होना शुरू हो गया, और मसल्स में भी टेंशन रहता है, हाथ में खिंचाव रहता है, टेंशन रहता है, तो मैं सोचने लगता हूँ कि ये पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब बहुत बुरा सोचता हूँ मैं, क्या बताऊँ, बहुत परेशान हूँ मैं। आपके मुझे सिम्टम्स बता सकते हो, आपके सिम्टम्स क्या होते हैं सोचने के पहले और बाद में सिम्टम्स? बस लक्षण मिलाता हूँ न्यूज पे या फिर यूट्यूब पे, या सिम्टम्स ऐसे लाइक मुझे ये फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, लक्षण क्या फील होता है? मतलब बेचैनी होता है, घबराहट होता है, तो कभी लगता है कि हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे 3-4 बार पैनिक भी हुआ है, भय का जो दौर होता है, हाँ पैनिक अटैक भी मुझे 3-4 बार आया है, तो मैं उस समय काफ़ी डर गया था कि मुझे हार्ट अटैक से मर जाऊंगा, या कोई दूसरा आदमी अगर किसी बीमारी से मरता है तो फिर मैं अपने बारे में सोचने लगता हूँ कि वो मर गया इस बीमारी से तो मैं भी ना मर जाऊँ। अच्छा, ये सब चीज़ों का आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मेरा सारा काम धाम वहीं रुका हुआ है, फैमिली वाले भी डिस्टर्ब हो रहे हैं काम में, क्योंकि आपके हेल्थ में, फैमिली में, रिलेशनशिप में और फ्यूचर में बहुत मुश्किलें हैं, फैमिली वाले परेशान रहते हैं कि मैं बोलता नहीं उन लोगों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं डर में जी रहा हूँ तो फैमिली में हंसना बोलना नहीं होता है, तो वो लोग भी डिस्टर्ब रहते हैं मुझे देख करके, और फ्यूचर का
भी टेंशन रहता है कि क्या होगा, इसी में मैं पड़ा रहूँगा क्योंकि कई दिनों कई सालों से मैं परेशान हूँ। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं लग रहा था जैसे मैं दलदल में फंसा हुआ हूँ और उससे मुझे निकलना है, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया। हाँ जी, ठीक है, आप 100% यहाँ पे ठीक हो जाओगे। हाँ जी, हम आपकी जो भी नेगेटिव अप्रोच है वो यहाँ पे पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगी, आप हर चीज़ों को पॉजिटिव में देखोगे। ठीक है, अभी आज पहला आपका, कल से पहला दिन शुरू। हाँ जी, कल से मेरा पहला दिन। 10 दिन तक आपको जरूर फर्क पड़ेगा। आपके परिवार वाले आपकी बीमारी के बारे में क्या बोलते हैं? उनको बिलीव नहीं होता है, वो बोलते हैं कि बात की तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है, अब जो चीज़ अंदर में हो रहा है वो घटित नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को दिख नहीं रहा है। और मैं शेयर भी करता हूँ तो वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं फैमिली वाले पहले ये सब नेगलेक्ट करते हैं, जितना कम होता है फैमिली वाले नेगलेक्ट करते जाते हैं, और यही मेन रीज़न है कि बीमारी का और बढ़ने का। फैमिली वाले कभी भी चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करने चाहिए, कभी भी। हाँ जी, तो वो लोग नहीं समझते, बोलते हैं कि कुछ है ही नहीं, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा तो है, कुछ हुआ ही नहीं है, झूठ मूठ के तुम डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, झूठ मूठ के तुम मुंबई जा रहा है टाइम वेस्ट करने, वो लेकिन एक बिलीव सिस्टम। थैंक यू नीरज जी, अब से लेके 10 दिन आपका देखते हैं, आफ्टर का वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। बिल्कुल, 10 दिन का ट्रेनिंग होगा, जो भी होगा और वो सारा चीज़ मैं आपको 10 दिन बाद में आपको शेयर करूँगा कि इन 10 दिनों में मेरे लाइफ में क्या बदलाव हुआ। मेरा नाम श्री कैलाश मंत्री है, मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। हम अभी खसारा में है और 10 दिन के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं नीरज कुमार जी का। सर, मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है और मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, बिहार से, और मैं दोस्ती से बिजनेस में हूँ, MLM बिजनेस में हूँ। पिछले 7 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था और अभी हमारी जो इनकम है 10 से 12 लाख रुपये ईयरली मैं इनकम कर रहा हूँ, और पिछले 3-4 सालों से हमारा इनकम वहीं पर रुका हुआ है, 1 लाख रुपये ही एवरेज जा रहा है, मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने ये फील किया कि उसके पीछे जो रीज़न है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जो मुझे फील हुआ। और अभी जो हमने टारगेट लिया है इस बिजनेस में, यहाँ पे आने के बाद जो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, बहुत सारी सकारात्मक सोच आई है, तो एक टारगेट हमने लिया है कि मुझे ईयरली 3 करोड़ रुपया कमाना है, और ये इस ट्रेनिंग के बाद मुझे 100% बिलीव है कि मैं कर लूँगा। ये तो आपका टारगेट हुआ, और कितने लोगों को लखपति बनाओगे या करोड़पति बनाओगे? हाँ, ये तो मेरा टारगेट है कि मैं 3 करोड़ रुपये ईयरली कमाऊँगा, और साथ ही मैं 100 लोगों को 1 लाख रुपये कमाने की जिम्मेदारी मैंने उठाई है, महीने की 1 लाख रुपया ऐसे 100 लोगों को मुझे दिलवानी है, 1 लाख रुपया मंथली, और इस सेशन के बाद ये 100% हो जाएगा, ये मेरा पूरा बिलीव है सर। यहाँ पे आने के बदले कभी आप सोच पाए थे कि आप 3 करोड़ रुपया साल का कमाने का सोच भी सकते हो? नहीं, 3 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, मैं 50 लाख तक भी नहीं सोचा था कभी, लेकिन इस ट्रेनिंग ने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा नई जान डाल दी है, और वो 3 करोड़ पॉसिबल है। आपके जो भी हेल्थ के सिम्टम थे वो कैसे आपकी लाइफ में रुकावट थे? चूँकि शुरुआत में ओवर थिंकिंग से हुई, बाद में एंग्जाइटी कन्वर्ट हुआ, हर बात में बहुत ज़्यादा सोचना, डिसीजन नहीं लेना, कन्फ्यूजन, डाउट, काफ़ी सारे डर थे हमारे अंदर, जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में हमारे करियर में रुकावट बन रही थी। तो यहाँ पे जो हमने आज मुंबई का सारा में 10 दिन का जो सेशन हुआ, 10 दिन की जो हमारी ट्रेनिंग हुई, इसमें मेरे अंदर जो भी फियर थे वो चले गए, एंग्जाइटी, अब लगता ही नहीं कि एंग्जाइटी मुझे कभी था, इस चीज़ का मुझे फील हो रहा है, और एक अलग लग रही कि एक दूसरी दुनिया में, मतलब यहाँ जो जीने का तरीका है, और प्यार की जो एहसास हुआ फैमिली से, कि ताकत का एहसास हुआ फैमिली के साथ, वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ हमने यहाँ पे सीखा, कम्युनिकेशन सीखा, बातचीत करने का तरीका, और बहुत सारी थेरेपी भी हुई। मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट मैं एक यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको एक बार यहाँ पर आना चाहिए अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं।
आप यहाँ पे आए थे देखने के लिए कि मेरी एंग्जाइटी था कि नहीं जाएगी। या मैं तो यहाँ पे ये सोच के आया था कि मेरी एंग्जाइटी ठीक हो जाए, क्योंकि मेरा मानना है और करीब करीब सारे बहुत सारे डॉक्टर के यहाँ मैं पहले हो चुका था, तो वो मेडिसिन देते थे कि खाओ सो रहो, बस यही उनका काम था। लेकिन मैं तलाश में था कि मुझे कोई ऐसा जगह मिले, कोई ऐसे लोग मिले जहाँ पर मैं जाऊँ और बिना मेडिसिन के मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो एंग्जाइटी है, वो क्लियर हो जाए। ये मेरा थॉट है सर। आपके फैमिली लाइफ में, आपके फैमिली सर्कल में क्या क्या बदलाव आपको दिख रहे हैं और आएंगे आगे? ये मैं देख रहा हूँ कि प्यार की ताकत का एहसास मुझे यहाँ पे आके फील हुआ है कि फैमिली में अपने वाइफ से, माँ बाप से, बच्चों से या जो भी रिलेटिव हैं उनके साथ मैंने यहाँ पे आकर के जो प्यार की फीलिंग जो उनके साथ रह के नहीं हो पाई थी, वो यहाँ पे आके मुझे ये एहसास हो रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ऐसी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी और मुझे लगता है कि उन सारे लोगों को जरूरत है जिनको रास्ता नहीं मिल रहा कि मुझे क्या करना है, और जो एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं या मेंटल जो भी जूझ रहे हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए। और जैसे आज हमारी ज़िंदगी बदल रही है, 8-7-8 सालों से मैं परेशान था इसको लेकर के, और वो चीज़ें मुझे लग रही कि 10 दिन में ही वो चली गई और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। पहली बार जब नीरज को देखा, ये जल्दी आ गया था, मैं रात को करीबन 6:30 बजे यहाँ पे आया था, तो मैं देखा नीरज कुमार खाली क्या क्या गलत है रूम में वही दिख रहा है, क्या क्या गलत है, क्या क्या गलत है, क्या क्या गलत है। और मैं भी डर गया था कि बड़ा मुश्किल है इसकी शुरुआत करना, मगर जैसे दिन जल्द बढ़ते गए, नीरज कुमार में हम लोग चेंजेस देखते गए, ये रोज सुबह को उठ के 15-20 ऐसे क्वेश्चन करता जिसका कोई आंसर नहीं था, और हम लोग मगर फिर भी इसके सारे आंसर को, सारे क्वेश्चन आंसर करते और धीरे 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 इसके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। और अब जब सुबह उठता है तो इसका हंसता हुआ चेहरा देख के हमको बहुत अच्छा लगता है, इसके क्वेश्चन सब डिसअपीयर हो गए। मेरा नाम श्री कैलाश मंत्री है, मैं मुंबई से हूँ, लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट।